हम नहीं चाहते कि हम हिंसा करें, हम नहीं चाहते किसी के साथ लूटपाट करें, और हम लोग ऐसे हैं भी नहीं। हम बाबा नारेबाजी करता, आपको केवल एक काम करना, आपके मोबाइल निकालना और उसका वीडियो बना लेना, केवल मोबाइल निकालना है, उसका वीडियो बना लेना, उसका विरोध नहीं करना है। वो वीडियो हम आपके पास में सबूत के तौर पर रखेंगे, कहीं पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के लिए हम बता सकते हैं कि हमने नहीं किया, ये जिम्मेदार लोगों ने, उन लोगों ने। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे फैसले के द्वारा एससी एसटी को बांट कर और एससी एसटी के जो आरक्षण पर कुटाराघात किया है उसको लेकर आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में एससी एसटी के लोगों ने पूरा भारत बंद का आह्वान किया, और पूरे भारत बंद कराने के लिए हम सारे एससी एसटी के लोग एक मंच पर आकर और रैली के रूप में जाएंगे। यहाँ गुरुद्वारे से लेकर केसरगंज होकर, दिल्ली गेट होकर, आगरा गेट होकर, मदार गेट, ये पूरे मार्केट में एक मौन जुलूस के रूप में जाएंगे, और अगर किसी की दुकान खुली होगी तो उसको हम लोग बंद कराने की निवेदन करेंगे। केवल बाबा साहब के नारे जरूर लगेंगे, बाकी किसी से हमने इमरजेंसी जो सेवाएं उनको भी इस बंद के दौरान बाहर रखा है, ताकि कोई पब्लिक, आम पब्लिक परेशान ना हो। हमारा मकसद आम पब्लिक को परेशान ना करना, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए निकले हैं मैदान में, बाकी हम किसी को परेशान करने के नहीं। आज 21 अगस्त को एससी एसटी समाज द्वारा भारत बंद का है, उसी संदर्भ में अजमेर बंद है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी समाज के लिए और आरक्षण के विरुद्ध जो डिसीजन दिया उसके खिलाफ हमारा है, और हम भारत बंद और अजमेर बंद बिल्कुल शांतिपूर्वक चाहते हैं। और हमने अपील भी कल इसी यही अपील की थी कि जो अजमेर बंद है वो शांतिपूर्वक, अभी रैली निकलेगी, अभी ऐसे तो 4 बजे तक का है, लेकिन जब तक हो जाए 8 बजे तक हो जाए।